स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक फोर ट्रांजिस्टर का बेस ट्रिबल का बोर्ड बनाएंगे। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट देख सकते हैं और इस बोर्ड से आप वॉल्यूम बेस ट्रिबल को और बैलेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप बोर्ड पे कंपोनेंट जो है वो सब माउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइड का काम हो चुका है और दूसरे साइड का बाकी है। तो यहाँ पे कंपोनेंट माउंटिंग और सोल्डरिंग का काम मैं नहीं दिखाया हूँ क्योंकि ये कॉमन सी बात है, आप डायग्राम देख के कंपोनेंट माउंटिंग कर सकते हैं। तो पूरा बोर्ड को कंप्लीट करके वीडियो में वापस आते हैं। तो बोर्ड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका वॉल्यूम है, इसका बैलेंस, इसका बेस और इसका ट्रिबल का पोटेंशियोमीटर है। इस बोर्ड को आप सिंगल सप्लाई जो डीसी सप्लाई होता है वो 12 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक की जो सप्लाई है वो आप इसको दे सकते हैं। और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मैंने पहले ही चेक कर लिया था, वो बहुत ही अच्छा है। तो आप ये बना लेते हैं तो आपको मार्केट से ट्रांजिस्टर का जो बीटी है वो ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है और इसका ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे एक और यहाँ पे, तो इन रेजिस्टेंस को 470 के का लगाना चाहिए था, तो ये मेरे को नहीं मिला। तो आपको भी नहीं मिलता तो इसका आसपास का वैल्यू आप लगा सकते हैं। तो मेरे को नहीं मिला तो मैं 560 के का रेजिस्टेंस लगाया हूँ। और यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ पे ये जो दो, तो ये 2 ओम का लगाना चाहिए था, तो मेरे को नहीं मिला। तो मैं 2 1 ओम का रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐसे लगा लिया हूँ। तो आपको भी नहीं मिलता तो आप इसी तरह सीरीज में लगा के यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे रहा इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम के हिसाब से पोटेंशियोमीटर को कैसे लगाएं, तो डायग्राम के हिसाब से देखें तो पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक पोटेंशियोमीटर मैंने पहले ही इसके साथ कनेक्ट कर लिया हूँ। तो मैं इसका ग्राउंड आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका ग्राउंड कहाँ पे है, इस वाले पिन पे इसका ग्राउंड है। तो ये भी आप देख सकते हैं ऐसे करके बिठेगा, ठीक है। तो सारा जो पोटेंशियोमीटर है, चारों पोटेंशियोमीटर ऐसे करके ही इसमें कनेक्शन होगा। इस पोर्ट पे जो चारों ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे C945 यूज़ किया हूँ। आप चाहे तो C828 और C1815 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शील्डेड वायर है ये इसका इनपुट का वायर है, और ये जो दो ब्लू वायर है ये इसका आउटपुट का वायर है। तो ये सब आपको डायग्राम देखने पे पता चल जाएगा। तो इस बोर्ड का क्वालिटी कैसा है वो एक बार चेक करके देख लेते हैं, और इसका बेस और ट्रिबल का क्वालिटी भी कैसा है वो इसका चेक करने पर पता चल जाएगा। तो आपको एक बार इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको STK के साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो सारा कुछ जो कनेक्शन था यहाँ पे हो चुका है, तो आप इसको पावर देके ऑन करके देख लेते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम है आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप इसको किसी हेवी एम्पलीफायर और स्पीकर के साथ यूज़ कीजिए तो और भी अच्छा क्वालिटी आपको देखने का मिलेगा।
तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।